दिन हो गया। अभी जो अभी डिनर जो है ना मेरा नहीं मतलब मेरा चावल बन गया, अभी दाल भी बना चुकी हूँ मैं, बस अभी बनाने वाली हूँ चिकन। तो आज थोड़ा सा मेरा डिनर लेट हो गया है। और इसका क्या होता है ना, मतलब जिस दिन मेरा हमारा डिनर क्या नॉनवेज प्लानिंग होती है ना, नॉनवेज लाइक चिकन हो गया, इधर मटन हो गया, इधर फिश हो गया, कुछ बनाते हैं ऐसा कुछ मन करता है ना खाने के लिए, तो वैसे उस दिन थोड़ा सा लेट हो जाते हैं क्योंकि अम्मी तो वैसे तो 10, 12, 10, 15, 10, 20 ऐसे उस इसके 10 बजे से ज्यादा हो जाता है। बट नाउ जब जिस दिन नॉनवेज स्पेशली रहता है ना, नॉनवेज बनाने को रहता है, उसी दिन क्या होता है ना, फिर अम्मी जो है थोड़ा सा जल्दी क्लोजिंग करके आ जाते हैं, फिर जो भी नॉनवेज वगैरह हो, तो मैं सारे जो जो भी मसाले हो और जो भी मतलब सब्जी वगैरह हो सारे मैं कट करके रख देती हूँ। सब्जी तो वैसे नहीं, अब मैं जो है ऑनियन और टमाटर सारे कट करके रख दिए। जब लेके आएंगे ना, मतलब चिकन लेके आएंगे, तब मैं बनाऊंगी अपना डिनर कंप्लीट करूंगी। और बनते बनते ऐसे बच जाता है, 10 के करीब हो जाएगा, और इतना टाइम ही नहीं लगता है मेरे को, स्पेशली चिकन बनाने इतना टाइम नहीं लगता है। और मटन और मच्छी होता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी, इसका भी रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो 2 तारीख मैंने बनाया वीडियो, वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। और मैंने ज्योति के साथ बनाया है वीडियो, और आप लोगों को पता चल गया है ज्योति कौन है। बहुत अच्छी, अभी ज्योति और मेरा अभी बहुत अच्छा बंडिंग हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम एक दूसरों को मतलब जैसे बहुत सिमिलरिटी लग रहा है, उनका बिहेवियर मेरी बिहेवियर, और उनको भी बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। उनकी जो वीडियो है ना, वो थोड़ा सा एडिटिंग करने के लिए मेरे लिए टाइम लगेगा। उनका वीडियो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ, उनका और मेरी वीडियो जो हम लोगों ने साथ में चैलेंजिंग वाली वीडियो बनाया है, वो वीडियो हम लोग जो है वो ऑलरेडी बना अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी है, बस मैं ही बाकी हूँ। मैं अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्दी अपने चैनल पर चैलेंजिंग वीडियो वाली जो वीडियो है ना, वो बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। मेरे को है ना परसों से थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं है, यानी कि मेरा हेड पेन थोड़ा सा ज्यादा हो रही थी, और यहाँ पे ना वेदर जो है ना मतलब 10 डेज या 12 डेज हो गया है कंटिन्यू यहाँ पे बारिश ही बारिश हो रहा है, बिल्कुल ही धूप नहीं है, बारिश कंटिन्यू हो रहा है। परसों के दिन मेरे को थोड़ा सा ज्यादा मतलब ज्यादा हेड पेन हो रहा था, तो जिसके वीडियो बना लिया था हम लोगों ने परसों की इवनिंग के टाइम की बात कर रही हूँ। इवनिंग के टाइम से थोड़ा सा मैंने जैसे पानी में ज्यादा मैं काम कर लेती हूँ ना, तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा हेल्थ का इश्यूज हो जाती है, मेरे को थोड़ा सा सर्दी लग जाती है जल्दी, तो हेड पेन हो रहा था मेरे को, इसीलिए आई थिंक कि यही सर्दी की वजह से हो सकता है। तो बहुत हेड पेन भी हो रहा था, तो मैंने क्या किया कि बाल धो लिया था, ठीक है। तो परसों मैंने बाल धो लिया, और थोड़ा सा कल के दिन जो है थोड़ा सा कम था, और आज जाकर मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, तो मैंने फिर अपना हेयर जो है ना वो वॉश किया, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है हेल्थ, थोड़ा सा अच्छा है। लास्ट 2 दिन के हिसाब से आज मेरा हेल्थ थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने वीडियो बना लिया। मम्मी के साथ बात कर रही है खुशी, देखो तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन। तो चिकन अमित लेके आए 9:30 पर, सो थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया डिनर बनाते बनाते। तो पहले मैं एक और बड़ा अनियन जो है कट कर रही हूँ, एक अनियन ने कट करके रखा था, यहाँ पर एक अनियन और कट कर रही हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है ऑलरेडी, यहाँ पर डाला है मैंने जीरा और 2-3 तेज पत्ता, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी, और उसके साथ 2 इलायची, और ये सारे को अच्छे से जब मैंने चटकने दिया है, अच्छे से तेल में हो गया है ना, उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अनियन, और यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ टमाटर,
और आप है ना, ये जो रेसिपी है ये मैंने बहुत कम टाइम पे बनाया है, आपको कम से कम 20 मतलब 15 से 20 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। और यहाँ पर है ना जो टमाटर है मैंने कट कर दिया है, पहले मैंने ऑनियन को और सारे तेल में जो अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, और सारे बन जाने के बाद यहाँ हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, चिकन पाउडर सारे मैंने डाल दिया है। चिकन यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा तेल में 5 मिनट के करीब अलग एक कढ़ाई में फ्राई करा है। सो ये सारे जब अच्छे से हो गया है, यानी कि चिकन 5 मिनट मैंने अच्छे से फ्राई करने के बाद उसको अलग से रख दिया है मैंने। और यहाँ पर जो है ना सारे मसाला डालने के बाद कढ़ाई में ऑनियन और जो सारे मसाले अच्छे से हो जाने के बाद टमाटर डाला है, देन यहाँ पर ऐड करा है मैंने मसाला और उसके साथ 1/2 स्पून के करीब सोया सॉस। सोया सॉस एक बहुत अच्छा चीज़ है जो कि अच्छे से फ्लेवर देता है। नॉनवेज आप बनाते हैं यानी कि चिकन बनाते, चिली चिकन बनाते हैं, चिकन पकौड़ा बनाते, जो भी बनाए चिकन की जो भी रेसिपी होता है उसमें सोया सॉस जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि आपका जो चिकन में एक स्मेल जैसा आता है ना वो चीज़ को ये पूरा कम्प्लीटली डेट कर देता है, बहुत अच्छा टेस्ट भी लाता है। सो सारे चीज़ को जो है मैं अच्छी तरह से डाला है, अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएगा, मसाले अच्छे से बन जाएगा, देन मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ सारे फ्राई करी हुई चिकन को। चिकन को मैंने थोड़ा सा तेल लिया यानी कि 1.5 स्पून के करीब लिया है, ज़्यादा तेल नहीं, और चिकन को 5 मिनट करीब मैंने यहाँ पर फ्राई करा है, देन मैंने उसको निकाल के रख दिया है। यहाँ पर वही कढ़ाई में मैंने ऐड किया है पानी, पानी को मैं बॉयल कर रही हूँ। पानी बॉयल हो जाने से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी बन जाएगा चिकन। तो यहाँ पर जो है पानी बॉयल हो रही है और मेरी जो सारे मसाला है वो भी मैं अच्छी तरह से इसको पका रही हूँ। मसाला बन जाने के बाद पानी यहाँ पर चिकन ऐड करूँगी, चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर, देन मैं यहाँ पर पानी डाल के 5 से 7 मिनट तक रख दूँगी तो चिकन आराम से बन जाएगा, क्योंकि चिकन को हमने फ्राई किया है। चिकन फ्राई करने के बाद आप जो बॉयल करवाते हो इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत कम टाइम लगता है, इतना टाइम नहीं लेता है। बहुत अच्छी है, टेस्टी है रेसिपी, ज़रूर ये रेसिपी एक बार ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। फिर मिलती हूँ एक बहुत अच्छी नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर देना। बाय बाय।